السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع استعمال کیے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگے دہل کہہ سکتے ہیں
कि ये ज़ाब्ता हयात जो आज कुरान की सूरत में हमारे हाथों में मौजूद है, ये वही ज़ाब्ता हयात है जो आज से कमोबेश 1450 साल पहले नबी कायनात रसूल सकालैन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पे इंसानों की रुश्द व हदायत के लिए नाज़िल हुआ। अल्लाह की इस करम नवाजी पे हम जिस कदर भी उसका शुक्रिया अदा करें, कमा हक्का हो उसका शुक्रिया अदा नहीं होता। इसलिए कि ये ज़ाब्ता हयात वो दस्तूरुल मुत्तकी है कि अगर इंसान इससे ताल्लुक पैदा कर ले तो ये कुरान उसकी दुनियावी जिंदगी में एक अजीम इनकलाब पैदा कर देता है, और अगर इसको अपने जिस्म और रूह पे जारी उतारी कर लिया जाए तो यही वो वह ज़ाब्ता हयात है जो इंसान को दुनिया के साथ साथ उकबा की कामयाबी की जमानत भी देकर। मगर सदहैफ ऐसे ज़ाब्ता हयात की मौजूदगी के बावजूद हम इस कदर परेशानी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि शायद तख्ते अर्श पे कोई दूसरी कौम इतनी परेशान न हो। इसका सबब वाज़े है कि हमने अल्लाह और रसूल से उनको मानने के बावजूद इराज़ की ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दी, वगरना हर कदम पे हर लम्हा पे अल्लाह की रहनुमाई हमारे साथ यूँ मौजूद रहती है कि अगर हम थोड़ा सा गौर व फिक्र करें अपने माजी पे तो मुस्तकबिल में परेशानियां तकलीफें मसाइब आलाम से हम बच सकते हैं। मगर इसके लिए हमारे पास वक्त मौजूद नहीं। इख्तिलाफ इंतशार दुई एक दूसरे से बहम दस्तो गरेबा होना इस बदनसीब कौम का बस यही रह गया है सब कुछ। अगर हम अल्लाह और रसूल की तरफ देखें, अपने उठने वाले हर कदम पे उनसे रहनुमाई लें तो फिर हमें कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। हर मामला में हर मसला को अल्लाह और रसूल ने इस वजाहत से बयान कर दिया है कि किसी दूसरे की रहनुमाई की जरूरत ही नहीं रहती। मगर बदनसीब बदनसीब ही होता है। काफी दिनों से यहां एक मसला चल रहा है बाग फिदक के मुतल्लिक, और इसकी बुनियाद पे अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन साथियों पे तनकीद की जाती है, उन पे तान किया जाता है, उनको बुरा कहा जाता है जिनको तारीख इस्लाम से निकाल दें तो इस्लाम की तारीख ही बाकी नहीं रहती। कहा यह जाता है कि बाग फिदक अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का एक मखसूस हिस्सा था जिसे सहाबा ने बहम मिलकर छीन लिया, और बड़ा किरदार जो अदा किया है वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने। बाग फिदक क्या है, इसकी हैसियत क्या है, कभी नहीं कुछ सोचता और न सोचने की जहमत की है। मैंने बारहास किया है कि इस्लाम का बढ़ता हुआ तूफान जब हर तरफ निकला, जमाने की बातिल कुव्वतें इस्लाम की सत्वत का मुकाबला न कर सकी,
दोनों ने बाहम मिलके यह मशवरा किया, यह साजिश की कि जब तक मुसलमानों में इफ्तराक और इंतशार पैदा नहीं किया जाता तब तक इस बढ़ते हुए तूफान के आगे सद्दे सकंदरी नहीं बांधी जा सकती। चुनाचे उस जमाने के जहीन और फतीन जहन काफर के इकट्ठे हुए, उन्होंने साजिश की और ऐसे मसाइल इस्लाम में दाखिल करने की कोशिश की जिन मसाइल की इस्लाम में गुंजाइश ही नहीं थी। बहुत सारे मसाइल मैं अर्ज करता चला आ रहा हूं। यह बागे फिदक भी एक काफरों की साजिश है जिस साजिश में यहूदी शामिल है, जिस साजिश में ईसाई शामिल है और जिस साजिश में मजूसी शामिल है, और बड़ा किरदार इस मामला में मजूसियों ने अदा किया है। यह बागे फिदक क्या है? मुत्तफिका तौर पे मुसलमान ये समझते हैं कि यह माले फै है। माले फै क्या है? इसमें भी इत्तेफाक है तमाम मुसलमान गुरुओं का। कुरान ने वाज़े तौर पे कहा है कि अल्लाह ने जो अपने रसूल को दिया है बगैर ताकत इस्तेमाल किए, बगैर खून खराबे के, फरमाया इसमें किसी का हक नहीं, ये अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है। और वो मोमन जिनके पास ताकत नहीं, मिस्कीन हैं, यतीम हैं, बेवगान हैं, इन लोगों के लिए है। और दे अल्लाह ने रसूल को दिया है, उसने अपनी मर्जी से इसको इस्तेमाल करना है और इसमें इख्तलाफ नहीं। तहजीबुल अहकाम शिया अहबाब की किताब है, काफी शिया अहबाब की किताब है। उसमें इमाम अबू जाफर, इमाम बाकर से सवाल होता है कि जनाब ये फै क्या है, ये अनफाल क्या है? फरमाया ऐसी जमीन लम यकुन फीहा, हरा का तो दमिन, जिस जमीन को हासिल करने के लिए खून नहीं बहाना पड़ा, और कौमुन या वो कौम जो सुलह कर लेती है मुसलमानों से, वह आतू बेदी हिम, अपनी जमीन खुद मुसलमानों के हवाले कर देती, बियाबान उजाड़ जमीन। ऐसे ही इमामान कराम ने मुख्तलिफ जमीनें गिनवाई और कहा कुल्लहू मिनल फै वल अनफाल, ये तमाम चीजें फै है और अनफाल हैं। और कहा क्या कि ये दोनों चीजें फै और अनफाल अल्लाह रसूल के लिए है। फमा कान लिल्लाह फहुवा रसूल ही, और जो अल्लाह ने फै और अनफाल की सूरत में दिया है उसमें जो अल्लाह का हिस्सा है वो भी रसूल का हिस्सा है। वह लिल इमाम मिम्बादी ही जजाहू है इस
कहा कि अनफाल और फै अल्लाह ने मखसूस कर दिया है रसूल के लिए, जहां चाहे अल्लाह का रसूल इस्तेमाल करे और जहां चाहे उसका नायब रसूल के बाद इस्तेमाल करे। यह किसी की जाति जमीन नहीं है, यह किसी का जाति माल और जर नहीं है, बल्कि हुक्मरान के हाथ में नबी की सूरत में अल्लाह ने दिया और नबी के बाद वहोवा लिल इमाम मिम बाद ही यज़ाहू हैसो यशा, इमाम नबी के बाद इस्तेमाल करेगा जहां जहां उसका दिल चाहेगा, जितना जितना दिल चाहेगा, जिसको चाहेगा देगा, जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फै के साथ कर दिया। ये वो रवायत है जो तहजीबुल अहकाम में है और यही रवायत काफी में भी है। हरूफ व अल्फाज में इख्तलाफ है लेकिन मफहूम व मकसूद में कोई इख्तलाफ नहीं, वाज़े तौर पे कह दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि इमाम मूसा काजम के नजदीक माल फै, इमाम अबू जाफर के नजदीक माल फै व अनफाल, इमाम बाकर के नजदीक माल फै और अनफाल वो माल है जो किसी के कब्जा में नहीं, किसी की मलकियत नहीं, किसी की विरासत नहीं। वाज़े तौर पे इन दो किताबों में इमामाने किराम ने इसको बयान कर दिया। और यही नहीं, इनकी वजाहत तरफैन की किताबों में यूं की गई है कि इनकार करने वाले के लिए गुंजाइश का कोई मुकाम नहीं रहता। बुखारी में है कि नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला नूरसु मा तरकना सदका, हम अंबिया की विरासत नहीं होती मालो दौलत की सूरत में, जो हम मालो दौलत की सूरत में छोड़ते हैं वो सदका है। मुस्लिम की एक रवायत है, सैयदा आयशा ताहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, किस वक्त जब नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान से कूच कर जाते, उम्महातुल मोमिनीन इकट्ठी हुई और कहने लगी कि उस्मान को भेजना चाहिए अबू बकर के पास, मुस्लिम की रवायत है, और अबू बकर से नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरका से अपने हिस्से का मुतालबा करना चाहिए। सैयदा आयशा सिद्दीका भी वहां इरशाद फरमाती हैं, अलैसा कब काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नूरसो मा तरकना फहुवा सदकतुन, तुम सब भूल गई हो कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया हमारी विरासत दिरहम और दिनार की सूरत में नहीं, अगर हम कुछ छोड़ते हैं तो इरशाद फरमाया वो सदका होता है, हमारी विरासत नहीं होती जो हमारे वारसों में तकसीम हो। ये मुस्लिम और बुखारी की दो रवायतें, दो रवायतें आपके सामने पेश करता हूं शिया दोस्तों की किताबों से, और ये आपके सामने बात रहनी चाहिए कि अहले सुन्नत में सहा सित्ता है, यानी हदीस की छह सही किताबें, और शिया अहबाब में सहारबा है चार सही किताबें, उनमें पहला दर्जा काफी का है, दूसरा दर्जा मन ला यहज़र अल फकी का है, तीसरा दर्जा तहजीबुल अहकाम का है,
और चौथा दर्जा अल इस्तफसार का है। ये चार हदीस की किताबें हैं शिया अहबाब की, जिन्हें सहाबा कहा जाता है। और मैं जिस किताब से रवायत बयान कर रहा हूं वो उनकी सही किताबों में चोटी की किताब काफी। और मैं इसको चोटी की किताब क्यों कहता हूं, इसलिए कि यह किताब है जिसके मुतल्लिक इमाम गायब ने इरशाद फरमाया है कि काफुल लशियातुना, कोई किताब हो या ना हो जरूरत नहीं, अगर काफी मौजूद है तो शिया के लिए एक ही किताब काफी। इमाम गायब की मोहर है इसके सही होने पे, और कहा किसी किताब की जरूरत नहीं अगर यह किताब मौजूद है। इस किताब में अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, के उलमा अंबिया के वारिस हैं। अबू अब्दुल्ला काफी में कहते हैं किताब फजल इलम के इन्नल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। जाका अन्नल अंबियाए लाल वर्जसू दिहमन वला दीनारा इन्नमा और रसू अहादीस मिन अहादीसहिम, के उलमा अंबिया के वारिस होते हैं इसलिए कि अंबिया दिरहम और दिनार का तरका नहीं छोड़ते बल्कि अपनी अहादीस का तरका छोड़ते हैं। जिनको जिसने हासिल कर लिया उसने नबी की विरासत से अजीम हिस्सा हासिल कर लिया। यह किताब फजल है, फजल इलम। दूसरी रवायत अबू अब्दुल्ला इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स इलम हासिल करने के लिए निकलता है, यानी तालबे इलम, तालबे इलम इलम तबर तला करने के लिए, इलम हासिल करने के लिए जिस राह पे चल रहा होता है, कहा अबू अब्दुल्ला ने कि अल्लाह उसको जन्नत के रास्ते पे चला देता है, और कहा फरिश्ते उसके नीचे पर बिछाते हैं, वमन फिस समाए वमन अर्जे, जमीन और आसमान में कोई चीज ऐसी नहीं जो तालब इलम के लिए बख्शिश की दुआ नहीं मांगती, हत्ता लहूती फिल बहर, यहां तक के दरिया में रहने वाली मछलियां भी उसके लिए दुआ करती। और कहा आलिम को आबिद पे ऐसी फजीलत हासिल है जैसी चौदहवीं के चांद को सितारों पे फजीलत हासिल होती। फिर इन्नल उलमा वरासतुल अंबिया, इलम की कदर करने वालों, इलम की फिक्र करने वालों, इलम हासिल करने वालों, इलम को हासिल करके आदमी आलिम बन जाता है। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारस होते हैं। इन्नल अंबिया ला यवर्रिसू दिरहमन वला दीनारा, इसलिए कि नबी अपनी विरासत में दिरहम और दीनार नहीं छोड़ते, वलाकिन वर्रसू इल्मा, अंबिया जो वरासत में छोड़ते हैं वो इलम है। कौरेन के आका सकालैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और इमामों के सरताज
بڑے تین اماموں کے بعد ابو عبداللہ کہتے ہیں انبیاء وراثت مال و زر میں نہیں چھوڑتے، دولت میں نہیں چھوڑتے، سیم و زر نہیں، بلکہ ان کی وراثت علم و حکمت ہوتی ہے، ان کی وراثت دانائی ہوتی ہے، جس کو جو جتنا حاصل کر لیتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اچھا وارث بن جاتا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ کہ سارے جانے والے اپنی وراثت اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ کیوں کہا، امامان کرام نے یہ کیوں کہا کہ ان العلماء وراثت الانبیاء، ان الانبیاء لا یورثوا درہما ولا دینارا، اس کا کیا سبب تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ ہر انسان حسب و نسب سے وارث بنتا ہے دولت کا، انسان کسی کی دولت اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس کا نطفہ ہوتا ہے، اور نطفہ باپ کی وراثت حاصل کرتا ہے۔ انبیاء قوم کے باپ ہوتے ہیں، انبیاء قوم کے روحانی باپ ہوتے ہیں، اللہ نے چاہا کہ روحانی باپ اپنے ترکہ میں دولت نہ چھوڑے، علم چھوڑے، تاکہ تمام امت اس کا ورثہ حاصل کر سکے۔ اس لیے علماء انبیاء کے وارث بنتے ہیں، مال و زر، سیم و زر، زمین ایسی چیز نہیں جس کو انبیاء چھوڑ جائیں اور وارث اس کو تقسیم کرتے رہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اتفاق ہے اہل سنت اور شیعہ میں کہ نبی کی وراثت درہم و دینار میں نہیں ہوتی، بلکہ حکمت و دانائی ہوتی۔ وراثت تو ختم ہو گئی، وراثت کا سوال تو ختم ہو گیا کہ امام ابو عبداللہ نے ختم کر دیا، محمد رسول اللہ نے ختم کر دیا، دوسرے صحابہ نے اس کا اظہار کر کے ختم کر دیا۔ ایک دوسری چیز رہ گئی، جب وراثت کا معاملہ سدھر نہ سکا، جب وراثت کا بیان کرنا دلائل سے ثابت نہ ہوا، تو شیعہ حضرات نے اپنا پہلو بدلا، کہنے لگے کہ فدک اللہ کے نبی نے فاطمہ کے نام ہبہ کر دیا تھا۔ کافی کتاب الحجہ ابو موسیٰ کاظم رحمہ اللہ علیہ سے سوال ہوتا ہے، ابو موسیٰ کاظم کہتے ہیں، موسیٰ کاظم ابو الحسن موسیٰ کاظم کہتے ہیں کہ جب اللہ نے سکالین کے تاج دار کے ہاتھ پہ فدق فتح کر دیا، فانزل اللہ علی نبی، یہی اللہ نے اپنے نبی پہ نازل کیا، واتزل قربا حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا۔ امام صاحب نے کہا کہ آسمان سے جبریل نازل ہوا فدق کی فتح پہ اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتے ہیں قریبیوں کو ان کا حق دو، اور کافی کی اس روایت میں لکھا ہوا ہے فلم یدرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آتے ذل قربا، جب آیا تو رسول اللہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ ذل قربا کون ہے۔ آپ غور فرمائیں، وہ کائنات کا وہ ہادی جس نے ساری کائنات کو عقل دیا، شعور دیا اور رشتوں کی پہچان دی، کافی کی اس روایت کے مطابق موسیٰ کاظم کہتے ہیں فلم یدرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کو سمجھ نہیں آئی۔
कोई है सोचने की बात? मैंने इब्तदा बहस किया है कि ये सारे मसाइल इस्लाम के बढ़ते हुए तूफान को रोकने के लिए काफिरों की साजिश थी। ऐसे मसाइल मुसलमानों में पैदा कर दिए गए जो मोहब्बत से मुतल्लिक थे और मुसलमानों में इख्तिलाफ और इंतशार पैदा कर दिया गया, वगरना इस मसला की कोई हैसियत नहीं, इसका कोई वजूद नहीं, कोई वजूद नहीं शिदक का। इतना ही है कि एक खैबर का एक गांव है, कहते हैं कि आया जिब्रील, जिब्रील ने कहा अल्लाह कहते हैं आतजल कुर्बा हक्का हो। अल्लाह के रसूल परेशान हो गए, अल्लाह की कसम शर्म आती है ऐसे बातें करते हुए। इख्तलाफ और इंतशार को हवा न दो, इस काम को इत्तेहाद की जरूरत है। तुम इत्तेहाद को तोड़ने की जिद्दोजहद करते हो, कोशिश करते हो। फलम यदरे रसूलुल्लाह, नीम पागल आदमी को भी पता होता है मेरे करीबी कौन है, और दौले शाह का चूहा भी जानता है उसका करीबी कौन है। इतना जुल्म और बदबरियत की गई है कि इस रिवायत में कहा गया मोहम्मद रसूलुल्लाह तो पता नहीं, जल कुर्बा कौन है। अल्लाह के नबी परेशान हो गए। मैं वाजे तौर पे कहता हूं कि जिन किताबों की मैं दलील पेश करता हूं वो किताबें मेरे पास मौजूद हैं, और यह भी कि शिया की कोई किताब मेरे पास ऐसी नहीं जो पाकिस्तान में शाया हुई हो, वो सारी ईरान से शाया हुई, ईरान से शाया हुई किताबें मैंने मंगवाई, काफी में लिखा हुआ है कि जिब्रील जिहाद लेके आए, फलम याद रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह को समझ ही नहीं आई कि जल कुर्बा क्या होता है। परेशान मोहम्मद रसूलुल्लाह सोचते हैं कि आखिर जल कुर्बा कौन है, फिर कहते हैं कि अल्लाह की नबी में समझ कोई ना आई। वराजा फी जालिका जिब्राइल, जब अल्लाह के नबी को समझ ही ना आई तो उन्होंने जिब्रील के साथ राब्ता किया, जिब्रील के साथ रजू किया कि जिब्रील अल्लाह कहता है वातिजल कुर्बा, करीबियों को दो, और ये करीबी कौन है मेरी तो समझ में नहीं आती। जिब्रील को अल्लाह के नबी पूछते हैं और फिर जिब्रील भी ऐसा ही निकलता है, उसको भी नहीं पता कि जल कुर्बा कौन है। वह जिब्रीलो राजा रब ही, जिब्रील ने रब से राबता किया, अल्लाह ये जो तूने जातुल कुर्बा कहा है ये कुर्बा ना तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को पता है ना मुझे पता, ये कुर्बा कौन है। फिर अल्लाह ने बताया कि कहो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदक फातिमा को दे दो। क्यों जी? अल्लाह ने क्या जल कुर्बा कहा है? वल मिस्कीन है वबन सबील, अल्लाह ने मिस्कीन भी कहा है मुसाफिर भी कहा है, आखिर किस बिना पे अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनसे इनके हकूक छीन कर फातिमा ताहरा को दे दो। कुरान तो वाज़ेह तौर पे कहते हैं आते जल कुर्बा हक्का हूं वल मिस्कीन वबन सबील, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह हुक्म देते हैं कि सबको छोड़ छाड़ के सय्यदा ताहरा फातिमा को दे दो। चलो मान लिया एक मिनट के लिए कि अल्लाह के नबी ने फातिमा ताहरा को दे दिया, और ये खैबर की फतह, फिदक की फतह 7 हिजरी में हुई है। बात कर हर कोई सकता है, किसी को कोई रोक नहीं सकता। मेरा मकसूद ये है कि अगर आप बात करते हैं हम जवाब देते हैं तो दलील की काट दलील से हो, लड़ाई झगड़े से नहीं, वावा टावा से नहीं, हा हू से नहीं, बल्कि दलाल को तोड़ो दलाल की मौजूदगी में। अगर ऐसा करो तो हम दिन रात हाजिर हैं। अल्लाह की कसम तुम तो मानते ही नहीं, अगर तुम ऐसे दलाल पेश कर दो तो हम रात पड़ने से पहले मान लेंगे। अल्लाह के नबी
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फातिमा को दे दिया। सवाल पैदा होता है कि इसका सबब क्या था। कायनात के रब की कसम ये तमाम इस्लाम के खिलाफ साचे हैं और इस्लाम की कद्दावर शख्सियत के खिलाफ साचे हैं। अब कोई सवाल करने वाला सवाल कर सकता है कि तुम्हारे रब ने यह कहा है कि करीबियों को धो, मिस्कीनों को धो, मुसाफिरों को धो, तुम्हारे नबी ने दोनों को छोड़ के अपनी बेटी के साथ वाबस्ता कर दिया, तो इसका जवाब किसके पास? इस रवायत के रावी ने अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तौहीद का इत्तेकाब किया है। मान लिया हमने कि सैयदा ताहिरा को कायनात की आका मोहम्मद रसूल ने फिदक दे दिया। फिदक फता हुआ 7 हिजरी में, 7 हिजरी से लेके अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की वफात तक कोई आदमी दूर भी नहीं, खुदबीन से मुझे ढूंढ के दे कि सैयदा ताहिरा ने किसी साल ज़कात दी हो। चैलेंज कहता हूं, और फिदक की आमदन 70,000 दिरहम है, 70,000 दिरहम। सैयदा के पास साल के बाद 70,000 दिरहम आते हैं। कोई साल मुझे दिखा दो जिस साल सैयदा ताहिरा ने नसाब के मुताबिक गिन के ज़कात दी। क्या मोहम्मद रसूल सल्लत की बेटी ऐसी हो सकती? या तो जकात लाओ सईदा की कि सईदा ने जकात ये देखो दी है। अगर ये नहीं तो कोई ये बतला दे क्या मोहम्मद रसूल की बेटी ऐसी हो सकती है कि नसाबे जकात उसके पास पूरा हो लेकिन वो जकात ना दे। नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये इल्जाम है। कौनैन की आका मोहम्मद रसूल ऐसे नहीं हो सकते। और फिर 10 हिजरी को तबू की जंग हुई है, 10 हिजरी को, 7 को फिदक फता हुआ, 10 को तबू की जंग हुई है। और हालात क्या है? कौनैन के आका मोहम्मद रसूल मिंबर रसूल पे खड़े, अल्लाह के नबी कहते हो लोगों मुझसे तावन करो दीन के लिए, जहाद की जरूरत है, दौलत दो। सहाबा दौलत लाला के रखते हैं। अबी बकर सिद्दीक ने सारा मालो जर रख दिया, फारूक आजम ने आरा रख दिया, उस्मान जुनू रहन आते हैं 300 ऊंट, 500 ऊंट, सोना चांदी सहाबा इकट्ठे कर रहे हैं। और नाम आते हैं सहाबा के, एक सहाबी आए उनके पास 1/2 सा खजूरे हैं, सारी रात यहूदी की नौकरी की, 1 सा खजूर पे आधी बच्चे भूखे हैं, आधी घर बच्चों को दे दी कि तुम अपना पेट भर लो, आधी मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में रख दी। और नबी कौनैन के सहाबा ने यूं नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पे सब कुछ हाजिर किया। कोई एक रवायत ले लो कि 70,000 आमदी वाले सैयदा ताहिरा फातिमा सिद्दीका ने कुछ 10 रुपए भी दिए हो। अगर नहीं तो इसका मतलब यह है कि ताहिरा के लिए अल्लाह के नबी ने फिदक वहब नहीं किया। अगर हिबा किया होता तो सैयदा ताहिरा भी इस मुकाम पे ये सब कुछ अदा करती। कौन है इनके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये इल्जाम है, इत्तेहाम है, इन साजिशों की सोच है कि मोहम्मद करीम के दामन को दाग दाग कर दिया जाए, उनके साथियों के दामन को दाग दाग कर दिया जाए। और हम मुसलमान कैसे मुसलमान हैं कि आंखें भी नहीं खोलते, सोचते भी नहीं कि यह क्या साजिश है। यही नहीं, मेरा हमेशा नुक्ता नगा यह रहा है कि यह तहरीक मुसलमानों के असबाब, इनकी सत्वत को कायम, इनके इत्तेहाद को कायम रखने के लिए तहरीक चली नहीं, बल्कि मुसलमानों में खलफशार और इंतशार पैदा करके इस्लाम को नुकसान देने की तहरीक। नबी रहमत मोहम्मद रसूल की तौहीन, कहते मा काना व मा यकून का इलम था मोहम्मद रसूल, ये इलम रखने वाले मेरे आका ये भी नहीं जानते कि ज़ातुल कुर्बा कौन है। चलो फिर मेरे आका ने फातिमा ताहिरा को दे दिया,
क्या कहेगा कोई? नबी रहमत मोहम्मद रसूल अबेतराज। और ये रवायत बयान करने वाला सिर्फ नबी कायनात मोहम्मद रसूल पे इल्जाम का सबब नहीं बनता, इसने इमाम साहब को भी माफ नहीं किया। इमाम मूसा काजम क्या कहते हैं? जब फिदक फतह हुआ फानजल्लाहु अला नबीही वातिसल कुर्बा हक्कहु, फिदक फतह हुआ तो अल्लाह ने कुरान से आयत नाजल कर दी कुरान की सूरत में कि आतिसल कुर्बा हक्कहु। ये इमाम साहब भी आलम मा काना व मा यकून है इनके नजदीक, यानी जो हुआ वो भी जानते हैं, क़यामत तक जो होना है वो भी जानते हैं। तो इमाम साहब कहते हैं कि जब ये फिदक फतह हुआ आसमान से कुरान की सूरत में अल्लाह ने नाजल किया आते जल कुर्बा हक्का हो। बयान करने वाले रावी ने जानबूझ के ये सब कुछ किया है इसलिए कि ये आया मुकद्दसा बनी इसराइल की है और बनी इसराइल की सूरत मदीना में नहीं मक्का में नाजल हुई थी। हिजरत के बाद 7 साल के बाद फिदक फतह हुआ, 8-9 साल पहले फतह होने से पहले अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी थी। और जो 8-9 साल पहले नाजिल हुई है इमाम साहब कहते हैं फिदक के फतह होने पे आसमान से नाजिल हुई, यानी इमाम साहब के इल्म पे भी हर्फ आता है, इमाम साहब की शख्सियत भी दागदार होती है कि कैसा इमाम है, कैसा अहले बैत का फर्द है कि इसको यही पता नहीं जो इनके नाना पे कुरान उतरा है उसके उतरने का सबब क्या था, कहां कौन सी आयत नाज़िल हुई। इमाम मूसा काज़म इसको फिदक के मुकाम पे नाजिल करते हैं और ये 8 साल पहले मक्का में नाजिल हुई थी। जहां उठाओ सारी तफसीरें, एक सुन्नियों की नहीं अपनी भी उठा के देख लो, बनी इसराइल की सूरत मक्का में नाजिल हुई है मदीना में नाजिल नहीं हुई। ये आया मुकद्दसा किस तरह बन सकती है? हिबा करने के सबब और हिबा करने की बुनियाद किस तरह बन सकती है? ये तो मक्का में नाजिल हुई 8-9 साल पहले। इमाम साहब कहते हैं कि फिदक की फदा के वक्त हुई है। मैंने अर्ज किया ये कोई कहानी नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं कि नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा ताहरा के लिए इसको हिबा कर दिया था। कौनैन के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा तसव्वुर नहीं कर सकते। और ये वाज़ह चीजें हैं सारी। फिदक है क्या? गौर से सुनने वाली बातें हैं। इन बातों पे ना कोई इतराज कर सकता है ना कोई इसका जवाब दे सकता है। इस तख्ता है इस पे अल्लाह के फजल और रहमत से, ऐसा हक और सच है। फिदक है क्या? पहले फिदक की असल हकीकत और इसकी असल हैसियत देखिए। कामूस लुगत की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि फिदक मदीना से चंद मंजिलें दूर था। और अल मिसबाह में लिखा हुआ है कि ये लुगत की किताबें कि फिदक खैबर का एक गांव था। ये हकीकत आज भी जाहिर है, आप जाके देखें फिदक खैबर का ही एक गांव है। लेकिन इमाम साहब से मेहदी अब्बासी पूछता है, अब्बासियों का खलीफा मेहदी मूसा काजम से पूछता है कि जनाब आप ये बातें करते रहते हैं, फिदक है क्या? कहने लगे फिदक समझना चाहते हो? हां, हद्दो मिनहा जवान ओहदिन व हद्दो मिनहा अरीश मिश्रा व हद्दो मिनहा शीफ अल बहर व हद्दो मिनहा दौमतुल जंदल। कहते हैं कि दौमतुल जंदल सैफुल बहर ओहद पहाड़ ये सारे फिदक में शामिल हैं। और दूसरी रवायत ये असूल काफी किताबुल हुज्जा की है, ये रवायत असूल काफी किताबुल हुज्जा की है कि इमाम मूसा से सवाल हुआ
انوار نوانیہ بنیادی کتاب ہے شیعہ احباب کی, اس میں لکھا ہے کہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم سے کہا کہ جناب یہ فدق کا بڑا جھگڑا ہے, ادھر کی ادھر باتیں ہوتی رہتی ہیں, میں آپ کو فدق لوٹانا چاہتا ہوں, فدق لے لیں. امام صاحب کہتے ہیں کہ رہنے دو, نہیں جناب میں نے دینے ہیں. کہا اگر دینا نا تو پورا پورا فدق دو. ہارون رشید پوچھتا ہے کہ پورا فدق کتنا جناب؟ کہا اس کی پہلی حد عدن ہے, دوسری حد سمرقند ہے, تیسری حد افریقہ ہے, چوتھی سیف البحر ہے. اور لکھا ہوا ہے کہ جب امام صاحب نے کہا نا اس کی ایک سرحد عدن ہے تو ہارون رشید کا چہرہ فق ہو گیا, رنگ فق ہو گیا. جب انہوں نے کہا کہ دوسری حد سمرقند ہے تو ہارون رشید کا چہرہ پیلا ہو گیا. جب انہوں نے کہا کہ تیسری حد افریقہ ہے تو ہارون رشید کا چہرہ سیاہ ہو گیا. جب انہوں نے کہا کہ چوتھی حد اس کی سیف البحر ہے تو ہارون رشید کہنے لگا امام صاحب تو میرے لیے کیا بچا؟ امام صاحب کہتے ہیں میں نے تجھے پہلے کہا تھا اگر فدق پورا میں نے شمار کر کے دیا تو تو نے مجھے دینا نہیں. اب تھوڑے سے غور کی باتیں, یعنی کتاب وہ ہے جس کے متعلق امام غائب نے کہا کافل نے شیعہ تو نہ, یہ ہمارے شیعہ کے لیے کافی ہے. قرآن ہو نہ ہو, تہذیب الاحکام ہو نہ ہو, من لا یزر الفقی ہو نہ ہو, الاستبصار ہو نہ ہو, صحابہ ہے نا, ہو نہ ہو, صرف کافی ہو تو یہ ہمارے شیعہ کے لیے کافی. اس کافی کی روایت ہے اور انوار نمانیہ کی روایت ہے. یہ چھوڑو کہ ان کا تقابلی جائزہ لیا جائے کہ پہلی روایت میں سرحد کوئی تھی, دوسری میں کوئی بن گئی, تضاد ہے امام کے فرمان میں. چھوڑو اس کو, بات یہ ہے کرنے کی کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفال اور فے کا وارث بنایا اللہ نے کہ میرا رسول کا حصہ ہے, اور امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں, امام باقر کہتے ہیں, امام ابو جعفر کہتے ہیں, جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ فے اور انفال کیا ہے, فرمایا وہ زمین لم یکن فیہا حراکت و دمن, وہ زمین جو بغیر خون بہائے مسلمانوں کو مل جائے وہ فے اور انفال ہے. اس میں اتفاق ہے کہ فدق فے تھا, تو پھر مجھے بتاؤ کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں تک مسلمان پہنچے ہی نہیں تھے وہ فدق کیسے بن گیا ہے؟ سوچنے کی باتیں, بات دلیل کی, اور دلیل وزندار شور شرابہ نہیں. امام صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ فدق کی حدیں اتنی لمبی چوڑی ہیں, جبل احد, عریش مصر, دومت الجندل, سیف البحر, اور یہ تو فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوئے ہیں, اور کیا یہ علاقے بغیر لڑائی کے مل گئے؟ ان لڑائی علاقوں کو لینے کے لیے ہزاروں مسلمان کا خون بہ گیا ہے اور لاکھوں کافر قتل ہوئے. تو فے تو وہ ہے, انفال تو وہ ہے جو بغیر لڑائی کے مل جائے. یہ امام صاحب جو بیان کرتے ہیں اس پہ تو ہزاروں مسلمان شہید ہوئے ہیں اور لاکھوں کافر قتل ہوئے, یہ کیسے فے بن سکتی ہے؟ لیکن کہہ دیا ہے. اور یہی نہیں, کوئی آدمی جرت کرے کو وہ اپنی کتابوں سے اتفاق دکھائے کہ فدق کی حد کیا ہے. یہ امام علیہ کرام یوں بیان کرتے ہیں. ایک اور روایت سنیے, بہار الانوار کی روایت ہے جس کے متعلق شیعہ علماء کہتے ہیں
कि यह किताब ऐसी है कि उन चारों के बाद जो इसने किरदार अदा किया है दूसरी किताबों ने कम ही अदा किया है। बहारुल अनवार मुल्ला मजलसी की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के घर गए। उम्मे ऐमन इस बात की रावी है, कहती है मैं अभी बैठी हुई हूं, आसमान से जिब्रील आ गया और कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठिए, मुझे अल्लाह ने कहा है कि आपको फिदक की सरहद और जमीन माप दूं अपने परों के साथ। बहारुल अनवार किताबुल फतन माप दूं। चुनाचे नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, जिब्रील के साथ गए और कुछ देर के बाद जब अल्लाह के नबी आए, फातिमा ताहरा ने पूछा कि आका आप कहां चले गए थे, तो इरशाद फरमाया जिब्रील आया था, उसने कहा कि परों के साथ मैं हद माप दूं, लेकिन माप के जिब्रील ने परों के साथ क्या दिया है जमीन किसी ने नहीं बताई कि कितनी माप के दिए उसने। शायद इसी बात का सबब है कि अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैंने किताब अली में देखा है, अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की किताब से वल आकिबतुल मुत्तकीन, और आगे है वाना व अहलो बैती अल्लज़ीना और असनल्लाहु अज़ा, अल्लाह ने कहा कि जमीन का वारस मैं बनाता हूं जिसको चाहता हूं, और आकबत मुत्तकियों के लिए है। इमाम साहब कहते हैं अलील मुर्तजा की किताब में है अना व अहलो बेटी अल्लाह जीना और असनल्लाहुल अज़ा, मैं और अहले बैत हैं जिनको अल्लाह ने जमीन का वारस बना दिया है। नहनुल मुत्तकून वल अर्ज़ो कुल्लुहा लना, वो कहते हैं कि सारी जमीन हमारी वरासत में है, ये तो काम ही खत्म हो गया है। और फिदक का ला हदूद का, कहां है फिदक जिस फिदक के झगड़े की बातें करते हो, इसका तो तसव्वुर ही नहीं है। खैबर का एक गांव है, वगरना तुम्हारी किताबों में इत्तेफाक ही नहीं है कि खैबर है कितना, जिसकी हदूद दरबा ही मालूम नहीं, जिसकी हैसियत ही मालूम नहीं, उसकी बिना पे अल्लाह के नबी के अजल सहाबा को बुरा कहना इलम से बहुत दूर की बात है। बस अबू बकर सिद्दीक और फारूक इसलिए मुजरिम बन गए कि सैयदा ताहरा ने उनसे सवाल किया था, उन्होंने नहीं दिया, यही जुर्म है उनका। अगर यही जुर्म है कि फिदक नहीं दिया, तो सुने तरफैन की किताबों का एक एक हवाला देता हूं। अभी दाऊद में है कि फिदक अल्लाह के नबी हाशमियों के बच्चों और बेवगान पे खर्च करते थे, उनकी शादियां कर देते थे, अहले बैत को देते थे, जब बच जाता मिस्कीनों गरीबों यतीमों को देते। फाइन्ना फातिमता सालत हो अंजा लहा लहा, अभी दाऊद की रवायत है कि सैयदा ताहरा फातिमा रजी अल्लाह ताला अनहा नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आई और अर्ज की के आका फिदक मुझे दे दीजिए। फाबा, अल्लाह के नबी ने फिदक देने से इनकार कर दिया। अगर फिदक ना देने पे अबी बकर सिद्दीक और उमर फारूक मुजरिम है, तो अपने आप पे ये जुल्म नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी ताहिरा जाके सवाल करती है, अल्लाह के नबी ने भी देने से इनकार कर दिया। ये सुनियों की किताब है। मनाकबे फाखरा शिया की किताब है और खसारे इब्ने बाबा में है।
अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये मुकद्दस ताहरा मुतहरा बेटी अपने बाबा के पास जाती है, हसन भी साथ है, हुसैन भी साथ हैं, जाके अर्ज करती है, बाबा ये मेरे फरजंद हसन और हुसैन हैं, इनको विरासत दीजिए। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मनाकबे फाखरा सफा 127, अल्लाह की बेटी कहती है, अल्लाह के नबी की बेटी कहती है, अल्लाह के नबी इनको विरासत दीजिए। अल्लाह के नबी हसन हुसैन को विरासत देते हैं पर फिदक का विरासत नहीं, विरासत देते हैं। फरमाया अम्मल हसनो फइन्ना लहू हैबती वाम्मल हुसैनो फइन्ना लहू जुर्रती। फातिमा मेरा विरासत यह है कि मोहम्मद की हैबत सारे इंसानों पे है और मेरी हैबत से विरासत हसन को मिला है, मेरी बहादुरी से हिस्सा हुसैन को मिला है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के नजदीक विरासत यह है जो ताहिरा ने मांगा और कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया। तुम कौन से विरासत ढूंढ रहे हो? नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी कहती है कि अबू बकर सिद्दीक के पास आती कि मेरा विरासत दें जी। फिर जो हाल होता है वो बड़ा दर्दनाक है। पहले एक वाक्य सुने, इमादुल इस्लाम शिया की मोतबर किताब है, इसका हवाला आयात बैनात मोहम्मद मेहदी अली खान ने भी आयात बैनात में दिया। वो कहते हैं कि उमर फारूक ने अलील मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के चचा, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा अब्बास का परनाला तोड़ दिया। सैयदना अब्बास बड़े परेशान हुए, बीमार थे। अब्दुल्ला अबैदुल्ला दोनों बेटों पे टेक लगाई और अलील मुर्तजा के यहां, अली मेरी दो आंखें थी, एक तो आंख चली गई यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह और एक तुम हो, तुम्हारी मौजूदगी में मेरे साथ ये हो रहा है कि जो परनाला मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाया था वो उमर ने तोड़ दिया है। अली मुर्तजा कहते हैं चाचा परेशान ना हो। कुंबर को आवाज दी अपने गुलाम को, जुल्फकार लाओ। जुल्फकार आ गई, तलवार यानी, चंद साथियों को साथ लिया। अलील मुर्तजा वहां गए, कुंबर को कहा कि इस पर नाले को लगाओ। पर नाला लगा दिया। लगाने के बाद ऐलान फरमाया कि जो शख्स ये पर नाला तोड़ेगा और जो हुक्म देगा मैं उन सबको कत्ल कर दूंगा और धूप की तमाजत में फांसी दे दूंगा। ये कह के तो आ गए। उमर फारूक को पता चला, आए परनाला वहां है, पता चला कि अली ने यह कहा है। अमादुल इस्लाम का मुसन्निफ लिखता है कि डर गया और कहने लगा अल्लाह की पनाह के कोई शख्स अबुल हसन को गुस्से में लाए। सारा मदीना थर थर करता है। तलवार ज़ुल्फ़िकार मियां से निकाली, सबको चैलेंज किया। उमर ने दोबारा परनाला लगाया नहीं। अगले दिन अब्बास मिले तो पूछा चचा कैफा सब तैयार में सुनाओ। कहने लगे अली जब तक तू है मुझे परवाह ही किसी की नहीं। अलील मुर्तजा फरमाते हैं कि अगर सारे अहलुल अर्ज इस परनाले को उतारने के लिए आए मुझसे झगड़े, मैं उनसे झगड़ा करूंगा। सुम्मा कतल तो हम बेहौल ही वकूवत ही, फिर एक परनाले के लिए तमाम जमीन के बासियों को कत्ल कर दूंगा। यह रवायत पेशे निगाह रखें। सैयदा ताहिरा फातिमा रजी अल्लाह तआला सिद्दीक अकबर के दरबार में आती और बहारुल अनवार
کتاب الفتن ملا باقر مجلسی کی, وہ لکھتا ہے کہ آ کے مطالبہ کیا, جلدی جلدی چلتے ہیں ٹائم ضائع ہو رہا ہے, مطالبہ کیا, صدیق اکبر نے مطالبہ نہیں مانا. بڑی لمبی چوڑی باتیں ہوئی, فاروق اعظم نے بھی بڑی سخت باتیں کی, یہاں تک کہ فاطمہ طاہرہ واپس آ گئی, علی المرتضیٰ کو آ کے کہا بہار الانوار کتاب الفتن, علی المرتضیٰ کو آ کے کہا کہ وہ تو نہیں مانتا, کون کون تھا, ابو بکر عمر, فقال علی اللہ الفاظ ہیں کہ سیدہ طاہرہ کو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ایتی ابا بکر وحدہ, جب ابو بکر اکیلا ہو تو اس کے پاس جانا, عمر ذرا سخت ہے ابو بکر نرم ہے, اور کہنا کیا کہ ابو بکر مانا فی تک مجھے ہبا نہیں ہوا, لیکن تو میرے باپ کا خلیفہ ہے, ہم مجلس ہے, غلام ہے میرے باپ کا, کچھ بھی ہو میں مطالبہ کرتی تو تجھے فدق مجھے دے دینا چاہیے تھا. ابو بکر نے کہا اچھا یہ بات ہے, لاؤ کاغذ لائے, ابی بکر صدیق نے فدق سیدہ فاطمہ کے نام کر دیا. یہ روایت اپنی کتاب کی دیکھ کے تو ابی بکر کا پیچھا چھوڑ دو, رضی اللہ تعالی نے لکھ دیا کہ باغ فدق فاطمہ کا. فاطمہ طاہرہ وہ تحریر لے کے بہر آتی سامنے عمر فاروق, ما حاضل کتاب الذی ما کی, فاطمہ یہ تیرے پاس کیا ہے, کہنے لگی یہ ابی بکر صدیق نے مجھے لکھ دیا ہے کہ باغ فدق فاطمہ کا. عمر نے چھینا اس کو پھاڑ دیا اور زور سے پاؤں مارا سیدہ طاہرہ کے پیٹ پہ, فسکت المحسن فی بطنہا, پیٹ میں محسن تھا یہ حمل ضائع ہو گیا. بہار الانوار کتاب الفتن سا ہو گیا. اب غور فرمائیں, پہلی روایت پیش نظر ہو کہ ایک پرنامے کی بنا پہ تمام انسانوں کو قتل کرنے کا جذبہ رکھنے والا آدمی, اس کی بیوی نبی کی بیٹی خاتون جنت کے ساتھ کوئی آدمی یہ کرتا ہے تو وہ خاموش رہ سکتا ہے؟ سوچو, فدق دے دیں گے تمہیں لیکن شعور سے بھی سوچو, عقل سے بھی سوچو, فدق ہے کیا, سبب کیا ہے فدق کا جو تم مطالبہ کرتے ہو؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ اتنی زبردست زیادتی, اور ساری دنیا کو قتل کرنے والا, جوش ہاشمی دکھانے والا علی خاموش ہے فاطمہ کے ساتھ اس ظلم کے بعد. کائنات کی قسم زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں لیکن محمد کریم کا یہ دماغ اتنا بزدل نہیں ہو سکتا. تو پھر وہی جو میں نے عرض کیا ہے, یہ جھوٹ بنایا ہوا ہے, یہودیوں کی سازش, عیسائیوں کی سازش اور مجوسیوں کی سازش ہے, وغیرہ فدق کی کیا حیثیت, فدق ہی صحیح. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام سے فاطمہ طاہرہ ناراض ہو گئی. بخاری میں ہے کہ فاطمہ طاہرہ ناراض ہو گئی. کیا ہوا؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ میرے آقا نے کہا ہے لا نورثو ما ترکنا صدقہ, واللہ لا اغیرو بصدقۃ رسول اللہ, اللہ کی قسم میں رسول اللہ کے صدقہ کو نہیں بدل سکتا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی بیٹی چلے جاتی, حق الیقین ملا باقر مجلسی, حق الیقین پہ لکھتا ہے, ایران سے شائع شدہ میرے پاس موجود, حق الیقین میں لکھتا ہے کہ فاطمہ کو خوش کرنے کے لیے ابو بکر جلدی جلدی گئے کہ فاطمہ ناراض ہی نہ رہے, سیدہ طاہرہ کے پاس گئے اور کہا اے ساری کائنات کے سردار کی بیٹی
और अपने बाप की उम्मत की सरदार, अपने फर्जंदों के लिए शजराए तैयबा, तेरी इज्जत, तेरे इफ्तिखार, तेरी हैसियत का कायम आपने कौन इनकार कर सकता है? कोई इनकार नहीं कर सकता। हुक्म तो नाफज़ अस्त कहते हैं, तेरा हुक्म नाफिज है दर माले मन। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, तेरा हुक्म मेरे माल में चलता है, फातिमा अपने मुंह से जो मांगोगी तेरे कदमों में ला के रख दूंगा। लेकिन मुसलमानों के मामले में तेरे बाबा की सुन्नत पे अमल करूंगा, कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। हक्कुल यकीन शरा नहजुल बलागा अल्लामा कमालुद्दीन, शरा नहजुल बलागा इब्न अबी हदीद दोनों लिखते हैं, हरूफ अल्फाज जुदा जुदा, मकसद एक कि जब सिद्दीक अकबर ने यह महसूस किया, वो भागम भाग सिद्दीका के पास आए, ताहिरा के पास आए, फातिमा के, उनसे बात की, कहा देखो फातिमा बात कोई नहीं थी, बात चलते चलते यहां तक पहुंच गई है, अल्लाह की कसम तेरा मेरे दिल में बड़ा एहतराम, लेकिन क्या करूं, मैंने अपने कानों से सुना है कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नहनु माशरल अंबियाए लानूरस, हमारी कोई विरासत नहीं है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया फातिमा, और मैंने अपनी आंखों से देखा है नबी रहमत को यूं तकसीम करते हुए। फातिमा इरशाद फरमाती हैं कि जी ये बात नहीं, मेरे बाबा ने मेरे नाम हिबा कर दिया था। इरशाद फरमाया, गवाह अलील मुर्तजा उम्मे अमन, गवाही तो नामुकम्मल है, अबू उमर फारूक ने, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा कि हमने तो यही देखा है कि अल्लाह के नबी ने किसी को विरासत में भी नहीं दिया और हिबा भी नहीं किया, अपनी मर्जी से तकसीम करते थे, हमने तो यही देखा है। उमर कहते हैं, फातिमा मैं तुझे झूठा कहने को तैयार नहीं, लेकिन यह भी सच्चे हैं और ये बात हकीकत है कि तेरा बाप मरते दम तक खुद फिदक को तकसीम करता रहा है, मैं भी फिदक को वैसे ही तकसीम करूंगा। फातिमा लिखा हुआ है शरा नहजुल बलागा अलामा कमालुद्दीन, शरा नहजुल बलागा इब्ने अबी हदीद, लिखा हुआ है कि सैयदा खामोश हैं, जब अबी बकर सिद्दीक ने कहा कि मैं इसको वैसे ही तकसीम करूंगा जैसे तेरा बाप, तो इरशाद फरमाया, क्या सच कहते हो? कहते हैं फातिमा, तेरे सामने कसम उठाता हूं, वल्लाही असना बिहा कमा काना यसना हो, मैं फिदो को वैसे ही तकसीम करूंगा जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह किए करते। लफ़्ज़ सुन लो, फ़रज़ियत ज़ालिका, फातिमा ये बात सुन के राजी हो जाती, नहजुल बलागा की शरा कमालुद्दीन, शरा इब्न अबी हदीद, सैयदा ताहरा सिद्दीक अकबर के दलाल के सामने खामोशी इख्तियार करती है और रजा का इजहार करती है। फ़अख़ज़तिल अहदु अलैहि, सैयदा फातिमा ने अबी बकर से सिद्दीक से आहद लिया कि आप फिदक को वैसे ही तकसीम करेंगे जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह करते। तुम किस फिदक की बात करते हो? या तो राजी है और नहीं। मजीद और खौफनाक खतरनाक खबर, असूल काफी फरू काफी जिल्द 7 सफा 54। मैं वैसे आमतौर पे सफों के हवाले इसलिए दिया करता कि तख्ती बड़ी छोटी हो जाती है, सफे आगे पीछे हो जाते हैं, आने वाले बेचारे परेशान होते हैं, जी हमें तो किताब दिखाई सफे पे है ही नहीं, इसे सफे नहीं बताता। फिर कहता हूं, जिसको मेरे जिस हवाले पे एतराज हो, जब चाहे आए, दिन को आए, रात को आए, मैं अल्लाह के फजल रहमत से यह दिखाऊंगा। अलील मुर्तजा रजी अल्लाह तआला हो, अल्लाह के नबी एक सफर पर जाते हैं, उससे पहले फरूक काफी में नहीं बल्कि यह है कि अलील मुर्तजा को फै के माल में से हिस्सा मिला हुआ था,
جو علم مرتضی محنت کرتے تھے غریبوں مسکینوں محتاجوں میں تقسیم ہوتا تھا. علی المرتضی نے جو وکیل وہاں رکھا ہوا تھا وہ کھدائی کرتا ہے تو فروغ کافی میں ہے کہ اونٹ کی گردن کی مانند پانی کا چشمہ نکلتا ہے. بڑا خوش ہوتا ہے, بھاگم بھاگ آتا ہے علی المرتضی کے پاس, بھاگم بھاگ آتا ہے علی المرتضی کے پاس. یبشرہ جال بشیرو, الفاظ ہیں, یبشرہ خوشخبری دینے والا آیا. وہ علی المرتضی کو خوشخبری دیتا ہے کہ جناب مبارک ہو, آپ کی زمین سے چشمہ نکل آیا. علی المرتضی ارشاد فرماتے ہیں, مبارک مجھ کو کس بات کی دیتے ہو, دو ان کو جو اس کے وارث ہیں. یہ کعبۃ اللہ کا حج کرنے والوں کے لیے صدقہ ہے, یہ زمین کعبۃ اللہ کے حج کرنے والوں کے لیے صدقہ ہے, مسافروں کے لیے صدقہ ہے, ان کو خوشخبری دو. مجھے خوشخبری کیسے دیتے ہو؟ لا تباہ ولا توہبا ولا تورسا. فرمایا نہ یہ بک سکتی ہے, نہ یہ ہبا کی جا سکتی ہے, اور نہ وراثت میں دی جا سکتی ہے. من با او وہبا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو اس کے خلاف کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے, انسانوں کی لعنت. فروغ کافی جلد 7 صفحہ 54 علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ موجود ہیں کہ یہ مال فے, یہ انفال کی صورت میں, فے کی صورت میں یہ مال ان لوگوں کا ہے جن کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا اور محمد رسول اللہ کرتے رہے, اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں, نہ ہم بیچ سکتے ہیں, نہ ہم اس کو ہبا کر سکتے ہیں, نہ اس کی وراثت چل سکتی ہے. فرمایا جو یہ کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مغضوب و مطوب ہے. پھر سن لو فروغ کافی جلد 7 صفحہ 54, جب چاہو جس وقت چاہو آگے دیکھ لو, میں دکھانے کے لیے تیار. آخری بات, وقت تو خیر جو ہو گیا جو ہو گیا, آخری بات میرا دل چاہتا ہے کر لوں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا, معمول تھا کہ اللہ کے نبی جب جایا کرتے تھے سفر میں سارے رشتہ داروں کو ملتے. یہ فروغ کافی میں زرارہ سے امام باقر سے روایت ہے, زرارہ امام باقر سے روایت کرتے ہیں کہ جایا کرتے تھے تو سارے رشتہ داروں کو ملا کرتے تھے, آخر میں سیدہ طاہرہ کو, فاطمہ کو. جب آتے مسجد میں آتے سب سے پہلے فاطمہ کو. یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا, اللہ کے نبی مل کے گئے. علی المرتضی کو فے کے مال میں سے ان کا حصہ ملا, وہ سیدہ طاہرہ کو دے جاتے ہیں اور پھر نبی رحمت محمد رسول سے مل جاتے. سیدہ طاہرہ چاندی کے کنگن بنا لیتی, ایک پردہ بنا لیتی. کافی وہ کتاب جس پہ امام کی مہر ہے. اللہ کے نبی سب سے پہلے ملنے کے لیے فاطمہ کو آتے, اندر آئے دیکھا کہ پردہ لٹکا ہوا ہے نیا. فاطمہ بھاگ کے اپنے بابا سے لپٹ جانے کو, کنگن کونین کے آقا محمد رسول اللہ بیٹھے نہیں واپس. فاطمہ طاہرہ نے رونا شروع کر دیا اور کہا اس کا سبب یہ ہے کہ میرے آقا کو یہ پسند نہیں آئے, میرے بابا کو یہ پسند نہیں آئے. کڑے اتارے, پردہ اتارا, حسن و حسین کو دیا کہ جاؤ میرے بابا کو سلام کہو اور انہیں کہو کہ آپ کے بعد یہی کچھ بنایا تھا, آپ لے لیں, جس طرح استعمال کرنا کر لیں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے زانوؤں پہ بٹھایا, ان کو چوما. فاطمہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کنگنوں کو توڑا اور اصحاب صفہ میں تقسیم کر دیا, کپڑوں کو پھاڑا, اصحاب صفہ میں تقسیم کر دیا. کہا اللہ فاطمہ کو اس کپڑے کی جگہ جنت کے کپڑے دینا اور ان کنگنوں کی جگہ جنت کے کنگن دینا. نبی رحمت محمد رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی آل اولاد اپنے عزیز و اقارب کے لیے دنیا نہیں چاہتے, اللہ کے نبی نے کہا اللہم
لا عائشہ الا عائشہ الاخرہ، اللہ محمد کو آخرت کا آرام اور سکون چاہیے دنیا کا نہیں۔ وہ اپنی بیٹی کو جب پریشان ہو کے آتی ہے فرمایا غلام چھوڑو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہا کرو۔ یہ آقا یہ باپ جو اپنی اولاد کے لیے عاقبت چاہتا ہے، ان کے لیے غلام نہیں چاہتا، کڑے چاندی کے پڑے ہوئے بازوؤں میں نہیں دیکھتا، وہ نبی وہ بابا فاطمہ کا 70,000 درہم جس کی سالانہ آمدن ہو وہ فاطمہ کو دے سکتا ہے؟ سوچے تو صحیح۔ اور جس فاطمہ کے پاس صرف یہی زیور تھا وہ توڑ کے پھینک دیتی ہے کہ میرا بابا ناراض ہو گیا، بابا ناراض ہوا، اللہ ناراض ہو گیا، اپنے کنگن توڑ دینے والی فاطمہ فدا کے لیے گلیوں اور بازاروں میں جاتی ہے، گھروں گھروں میں جاتی ہے۔ بحار الانوار میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن تک فاطمہ طاہرہ، علی المرتضیٰ، حسن و حسین، مہاجر انصار کے گھر میں جاتے رہے کہ ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو، کوئی مدد نہیں کرتا۔ کون سوچ سکتا ہے؟ کیوں دوستی کے پردہ میں کرتے ہو دشمنی؟ کیوں دامنے اڑات دامنے ادب کی اڑاتے ہو دھجیاں؟ فاطمہ طاہرہ ایسی نہیں ہو سکتی، یہ ساری یہود و مجوس کی سازش ہے جس نے مسلمانوں کو تفریق میں ڈال دیا، متفرق کر دیا، باہم لڑائی جھگڑے میں مبتلا کر دیا تاکہ اسلام مضبوط نہ ہو سکے۔ سوچنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آ گیا، جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں، جس کی بنیاد نہیں، جس کی حیثیت نہیں، اس کے لیے کردار فاطمہ کو دیکھنا پڑے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کردار محمد الرسول اللہ کو دیکھنا پڑے گا تاکہ اسلام کا چراغ ہمارے اندر روشن ہو۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسول۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیت ازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔